नमस्कार दोस्तों, जीएस की एक और टॉपिक के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है शार्क। शार्क विभिन्न देशों का एक संगठन है। आज हम देखेंगे कि इस संगठन का पूरा नाम क्या है, इस संगठन की स्थापना कब हुई, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है और इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इस संगठन का नाम। दोस्तों, इस संगठन का नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दोस्तों इसको हिंदी में द छेस कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षेस का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इसकी स्थापना। दोस्तों, सार्क की स्थापना ढाका में 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। ढाका 8 दिसंबर 1985। इसका मुख्यालय दोस्तों काठमांडू नेपाल में है। मुख्यालय काठमांडू नेपाल। दोस्तों, हमने देखा सार्क का पूरा नाम, सार्क की स्थापना कब हुई, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। अब हम देखेंगे इस सार्क में इसके महासचिव कौन है, सार्क के महासचिव वर्तमान काल में कौन है। तो देखते हैं दोस्तों महासचिव। इसके महासचिव हैं इसाल रुआन वेला कुन। इसके महासचिव हैं इसाल रुआन वेला कुन। इन्होंने मार्च 2020 से अपना कार्यभार ग्रहण किया। महासचिव सार्क के पद पे मार्च 2020 में अपना कार्यभार ग्रहण किया। ये श्रीलंका के हैं। दोस्तों, इसके पहले फरवरी 2020 तक पाकिस्तान के अहमद हुसैन इसके पहले सार्क के महासचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों कि सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं। सार्क में 8 देश हैं। हम अगर मैप से याद करें तो सबसे पहले पश्चिम से और दक्षिण में बढ़ेंगे। भारत के सबसे पश्चिम में अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, फिर भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये हो गए हमारे 8 देश। अगर आपको ट्रिक से पढ़ना है तो उस ट्रिक हमने बनाया है अपनी MBBS।
ये ट्रिक है अपनी MBBS। कौन सा ट्रिक है? अपनी MBBS। इस ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं, ए से आएंगे अफगानिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया भारत, इंडिया, एम से सबसे नीचे आ जाएंगे मालदीव, बी से भूटान, फिर बी से बांग्लादेश और यस से आ जाएंगे श्रीलंका। इन्हीं के महासचिव के रूप में श्रीलंका के ही इसाल रुआन बेलाकोन इस समय सार्क के महासचिव हैं। तो दोस्तों, आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं अफगानिस्तान अपनी MBBS, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। और चाहे तो आप मैप का सहारा ले सकते हैं, सबसे पश्चिम से नीचे बढ़ेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, यही 8 देश इसमें शामिल हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है? इनके बनाने का उद्देश्य क्या है? तो जो दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनका उद्देश्य बनाने का ये था कि उस दक्षिण एशिया के 8 देशों के बीच में समन्वय स्थापित करना, शांति और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट जैसे सामाजिक आर्थिक विकास, दूसरा शांति, सहयोग उद्योग इत्यादि, इन सब में सामंजस्य स्थापित करना, शांति व्यवस्था बहाल करना, उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सार का मोटिव है, सार का उद्देश्य है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।